तुर्बत में पाकिस्तान नेवी का जो बड़ा सेंटर अभी राइट नाउ एक अटैक हुआ है और हैवी गन फायर और बम धमाकों की आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ है। यह हमला पाकिस्तान के तुर्बत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरे सबसे बड़े नेवल एयरबेस सिद्दीक पर किया गया है। यह हमला इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी फोर्सेस इससे थर्रा उठी। अभी तो 2.5 महीने हुए हैं, 3 अटैक हो चुके हैं। तो बलूच ने साबित किया कि दुनिया को पैगाम पहुंचाया कि यहाँ पर मेरी मर्जी के बगैर कोई इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैटर, यही गिला आता है हमेशा। और अब उसके लिए आपको साइलेंट स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। रमजान का महीना शुरू होते ही इसराइल ने एक बड़ा खेल करने की तैयारी कर ली है। इसराइल ने जो प्लान बनाया है उसने कई देशों को हैरान और परेशान कर दिया है। ये प्लान कितना खतरनाक है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद अमेरिका ने कहा है कि भयंकर बवाल हो सकता है। इसराइल रमजान के महीने में ही आतंकी संगठन हमास को खत्म कर देगा। इसी बीच इसराइल भारत से मिला है, यानी बहुत बड़ा खेल होने वाला है, आप बस तैयार रहिए। इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के एनएसए अजीत डोवाल से एक बहुत बड़ी बात कही है। दरअसल महीनों से इजरायल के 134 बंधक हमास की कैद में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो पहले ही पीछे हट चुके हैं। ऐसे में इजरायल भारत से बातचीत कर रहा है। इजरायल चाहता है कि भारत उसके लिए नेगोशिएट करे। इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात करके कहा है कि भारत इजरायली बंधकों को छुड़वाने में मदद करे। सूत्रों के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने अजीत डोवाल से कहा है कि अगर इसराइल राफा पर हमला करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। इसराइल जानता है कि इस वक्त मुस्लिम देशों में भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। अजीत डोवाल तो खास तौर पर खाड़ी देशों में नेगोशिएट करने के लिए जाने जाते हैं। तुर्बत ग्वादर बलूचिस्तान में अभी राइट नाउ एक अटैक हुआ है और हैवी गन फायर और बम धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर भी निजी परवाज पे गर्दिश कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है बलोच शर्मचारों के अटैक का मुकाबला कर रही है पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तान आर्मी का बयान है। पाकिस्तान के आर्मी के टट्टू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने ट्वीट किया है। तुर्बत में पाकिस्तान नेवी का जो बड़ा सेंटर वो मुसलसल बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड की तरफ से अटैक का शिकार है। इस साल अभी तो 2.5 महीने हुए हैं, 3 अटैक हो चुके हैं। 29 जनवरी को मच सिटी में अटैक हुआ था और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर ग्वादर में 20 मार्च को अटैक हुआ और आज नेवल एयरबेस तुर्बत पे अटैक हुआ है। कि ये क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मैं जब भी मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैटर, यही गिला आता है हमेशा। और अब उसके लिए आपको साइलेंट स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चीमा साहब, आप उनको छोड़ दें, आपके साल साल डेढ़ डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ। देखें ना, आप खुद देखें, आपने स्टेबिलिटी के हालात देख ले, आप एक हफ्ते के अंदर 3-3 दहशतगर्द सुइसाइड अटैक हो रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? आर यू आर इन सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन अ ट्रेड मोड। आप ट्रेड मोड में आएंगे लेकिन आपकी विल होनी चाहिए, सख्त फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए। वो अब पता नहीं किस तरह आएगी, क्या नहीं आएगी। आपकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी के हालात अभी तक तो जिस तरह है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इससे पहले बहुत सारे हमले हुए, एक पूरे शहर पर कब्जा कर लिया गया। ये सब करके
ये मजीद ब्रिगेड और बीएलए और बीएलएफ ये सब डेमोन्स्ट्रेट क्या करना चाह रहे हैं? क्या इनको लगता है इससे आजादी मिल जाएगी? शहर के अंदर दो शहर है, एक तरफ पाकिस्तान और चाइना है, दूसरी तरफ जो आम बलोच है। तो बलोच ने साबित किया कि दुनिया को पैगाम पहुंचाया कि यहाँ पर मेरी मर्जी के बगैर कोई इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। सीपेक हो, कुछ भी हो, कोई और प्रोजेक्ट, कोई भी नाम दे, कि बलोच यहाँ पर एक मसले से उसके चल रहा है, वो अपनी आजादी की तहरीक चला रही है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करें। आदेश दोस्तों, जो 20 मार्च को जो अटैक हुआ था मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर, उसमें बलोच लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि 26 फौजी मारे गए थे, जिसमें से 6 मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे, 8 आईएसआई के थे और 12 नेवी और मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान थे। जबकि पाकिस्तान आर्मी ने 9 मौत की कंफर्मेशन की थी कि 9 मरे हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के ये जो आप देख रहे हैं कि ये डेड बॉडीज के कॉफिन जा रहे हैं इतने सारे, तो चुपचाप दफन कर दिया जाता है ताकि पब्लिक में और आर्मी में डिसहार्टनिंग या वो ना हो, मायूसी ना हो, इसलिए बताया नहीं जाती एग्जैक्ट फिगर। अदरवाइज ये कंटिन्यूस अटैक जारी है बलोचिस्तान में। अब आप ये बताएं कि चले आपने केपीके पे जो अटैक हो रहे हैं उसको तो टीटीपी पे डाल दिया, तो ये इन्होंने लेटेस्ट जो जान अचगजई ने कहा का मुकाबला कर रहे हैं ये वो, उसमें यही कहा है कि रॉ के दहशत गर्दों का सफाया कर देंगे ये वो, तो ये रॉ कर रही है, टीटीपी भी रॉ करवा रही है। तो भाई साहब, फिर आपकी आर्मी क्या कर रही है? और रॉ इतनी स्ट्रांग है कि पूरा बलोचिस्तान, केपीके, इस्लामाबाद, सब पे रो चल रही है, रो सब कुछ करवा रही है, तो फिर रो के हवाले कर देते हैं भाई, कम से कम रो से तो हमें रो बचा लेगी, जब सारा कुछ ही रो कर रही है ना, बाकी तो कोई सब मासूम बैठे हुए हैं, तो फिर रो को दे देते हैं ताकि कम से कम जान छूटेगी ये रोज रोज के धमाकों से, रोज रोज की टेररिज्म से, रोज रोज के मसलों से, और आपकी भी सिक्योरिटी होगी, आप आराम से अपने दूसरे काम कर सकोगे, आप सारे जो बिजनेस चला रहे हैं, आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप जो इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, आप इकोनॉमी रिवाइव कर रहे हैं, आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं, आपके ऊपर बोझ ज्यादा हो गया, तो ये फिर डिफेंस का काम हम रॉ के हवाले कर देते हैं। ग्वादर, ग्वादर बहुत अहमियत रखती है बलूचों के हवाले से, या कि सीपेक की वजह से इसकी बहुत ज्यादा मांग बढ़ चुकी है, लेकिन बलोचों का असल मसला ये नहीं है। हम बलोच कह रहे हैं कि हमारी शिनाख्त वो खा रहे हैं, हमारी शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ पर चाइनीज और जो पंजाबीज है या दूसरे लोगों को लाकर जो बलोच है असल में जो बसते हैं वहां पर, उनको बेदखल किया जाएगा, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। और उतर आए हैं जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो आबादकारी इसी को कहते हैं कि दूसरे लोगों को आप लाए, वहां के लोगों को आप गायब कर देंगे, कि जो लोग है वो खत्म हो जाएंगे। सीपेक का सिर्फ ग्वादर तक महदूद नहीं है, सीपेक ग्वादर से शुरू होता है, जहां तक जाता है, फिर बलूचिस्तान के जो इलाके आए हैं खासकर मकुरान और दीगर इलाके, तो वहां पर जो बस्तियां इनके रास्ते में आई है उन बस्तियों को उठाया गया है, जो लोगों की जमीनें थी, जो लोगों के घर बार थे, सब कुछ उनको उनसे छीन लिया गया है, उनको मीलों दूर किया गया है। बहुत से लोगों को देखिए, मकुरान में जो कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा इसमें लोगों को लापता वगैरह करना, बहुत इसमें सीपेक बहुत बड़ा हाथ है, तो लोगों को आप इस तरह निकाल रहे हैं सिर्फ अपने कारोबार के लिए कि चाइना को कारोबार करना है, पाकिस्तान को पैसे कमाने हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा सिर्फ ग्वादर नहीं, बल्कि जो बीएलए या कि जो दूसरे बलोच आजादी पसंद है, उनका यही कहना है कि कोई भी प्रोजेक्ट, छोटी या बड़ी प्रोजेक्ट, बलोचों की मंशा के बगैर नहीं चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बलोच आलत जंग में है, ये वसाइल, ये सरजमीन बलोचों की है, इसमें बसने वाले जो कुछ जेर जमीन है, जो कुछ भी है वो भी बलोचों की है, तो इस वजह से वो इनको निशाना बना रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।